हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चेन्नई वर्सेस कोलकाता के गेम में। एंड आप देख रहे हो कि निखिल भाई कुछ खास अटेंशन में है क्योंकि कोलकाता का गेम है। तो निखिल भाई, क्या लगता है आपको, आज कोलकाता से 10-1 जा सकते हैं हम? हाँ, कोलकाता से तो 11-0 भी जा सकते हैं, 12-0 भी जा सकते हैं, क्योंकि कोलकाता पहली टीम है जो फैंटेसी इंश्योरेंस का प्रॉपर यूज और प्रॉपर ऐसा निकलेगा बाहर के भाई केकेआर गेम है तो प्लीज इंश्योरेंस ले लीजिए आप, क्योंकि दैट्स व्हाट आई बीन सेइंग, यू हैव टू क्लोज योर आईज, प्रे एंड देन स्टार्ट, क्योंकि कोलकाता का गेम है, कुछ भी हो सकता है। कभी रसल 4 ओवर डालेंगे, कभी 1 डालेंगे, तो कभी सुरेश शर्मा आएगा, कभी अनुकुल रॉय आएगा, प्रॉपर जय माता दी टीम है। और जब आप राणा को लोगे तब वेंकी मारेगा, जब वेंकी को लोगे तो रिंकू मारेगा, रिंकू को लोगे तो रॉय मारेगा, रॉय को लोगे ऑड तो गुल इवन, मारेगा। ऑड इवन। हाँ, पता नहीं भाई, ऑड इवन प्राइम नॉन प्राइम क्या लॉजिक चलता है केकेआर के साथ मुझे नहीं पता, पर एक गेम भी वैसा है तो प्लीज स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ग्रैंड लीग खेलना भाई, स्मॉल लीग में चेपॉक पे मैच है, वो भी दोनों टीम के पास चार चार स्पिनर है, राणा खुद भी बॉलिंग कर सकता है उसका भरोसा है, पर पिछले गेम में राणा की बॉलिंग वजह से नहीं आ रहे, वो भी मैं बोल रहा हूँ। जायसवाल बहुत अच्छा खेला। तो जैसे निखिल भाई ने कहा, लॉस इंश्योरेंस तो ऑलरेडी है, फैन टू प्ले पे 200% बोनस मिल रहा है आपको पहले डिपॉजिट पे, तो जल्दी साइन अप कर लो। एंड बिफोर पिच कंडीशंस याद रखना, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए हमें, वहां पे ही आपको मिल जाएंगे फाइनल टीम्स, अपडेट्स, ग्रैंड लीग ऑप्शंस और पिच कंडीशंस, टॉस, बाकी सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। तो वहां पे जरूर साइन अप कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड अब चलते हैं वेन्यू कंडीशंस की तरफ। तो गेम खेला जाएगा एट चेपॉक, जहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट गेम में ट्रैक थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, एंड मे बी दैट्स अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम यहाँ पे, क्योंकि हम वैसे वैसा ही टाइप ऑफ ट्रैक एक्सपेक्ट करते हैं चेपॉक पे। एंड जैसे हमने लास्ट गेम में भी कहा था, स्पिनर्स लॉन्गर एंड से डालेंगे, पेसर्स शॉर्टर एंड से डालेंगे। एंड इवन दो हेल्प थी, हमने ये भी देखा कि पेसर्स को बहुत सारे विकेट फिर भी मिल ही गए, क्योंकि स्पिनर्स को खेल के निकाला गया, मोइन अली इकोनॉमी ऑफ 4, जडेजा भी इकोनॉमी ऑफ 4 और 5, बट फिर आके एंड में पेसर्स ने विकेट्स ले लिए। बिल्कुल, तो देखो वो भी है समथिंग दैट वी ट्राई एंड विजुलाइज के भाई अगर पिच कंडीशंस कैसी है तो व्हाट इज द थ्रेट, जिसके लिए आप देखो तो बहुत दफा आप राशिद को कैप्टन वाइस कैप्टन करने से डरते हो क्योंकि आपको पता है कि टीम जिन्हें प्ले आउट करती है, पर वानखेड़े का गेम भी हो सकता है जहां पे वो आएंगे 4 विकेट लेंगे 70 भी मारेंगे आपके लिए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज बी वेरी श्योर, पर हाँ इस गेम में आप डेफिनेटली बैक कर सकते हो स्पिनर्स को। यस, एब्सोल्युटली। तो यही रहेगा आज का फॉर्मूला, एंड वही हिसाब से हम बनाएंगे हमारी आज की बेस टीम। सो स्टार्ट करेंगे सीधा कीपिंग सेक्शन से, जहां पे है डेविन कॉनवे का इंतजार आप सबके लिए। रहमान अल्लाह गुरबाज भी अच्छी चॉइस है, बट याद रखिएगा कि वो शॉट आफ्टर शॉट खेलते हैं, एंड मे बी ऐसे ट्रैक पे वो टाइप ऑफ अप्रोच सूट ना करे, जैसे हमने देखा था मुंबई चेन्नई गेम में किशन रोहित ने वैसा ही अप्रोच लिया एंड वो जल्दी आउट हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लेना अनुकूल हो सकता है, बट अनुकूल होंगे कि नहीं वो हमें नहीं पता। एंड बैटिंग सेक्शन में 3 चॉइसेस, जेसन रॉय, नितिश राणा एंड गायकवाड। प्लीज ये मत मुझे मत पूछना कि राणा से रन नहीं बन रहे तो आप क्यों ले रहे हो वगैरह, क्यों ले रहे हो, मैं आपको ऑलरेडी पता है वो बात। निखिल भाई बताएंगे आपको बाकी और कोई पिक यहाँ सूटेबल है या नहीं। हाँ देखो, दोनों टीम्स में जो 50,000 लेफ्टी हैं, दोनों के लिए जो भी बॉलर बॉलिंग कर सकता है इस वेन्यू पे आप उनको लेना चाहोगे, क्योंकि कोई भी आके कभी भी विकेट लेके जाएगा। और सी दैट्स द थिंग, जडेजा के ओवर्स कटते थे इतने साल, पर इस साल जडेजा ने लेफ्टीज को बॉलिंग करी है बट शायद विकेट ना लिया, और उसको भी पिछले गेम में अगर आप देखें तो ही कुड हैव इजीली हैड रूसो सेकेंड बॉल, बट बॉल जस्ट स्टंप के ऊपर गई, तो ऐसे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे प्लेयर्स को अगर प्लेयर्स प्ले आउट कर देंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट दैट इज़ एनी वे नॉट इन योर हैंड, सो बैक करो वैसे विजुलाइजेशन के साथ। और बैटिंग में आपके पास बहुत विकल्प हैं, आप शिवम को ले सकते हो वापस, जो एक चीज़ जो आपको चेन्नई के गेम में पिछले गेम में दिखी, इतने सारे प्लेयर्स ने 20-20 25-25 मारा बट तो सब ने एक दूसरे को कवर कर लिया, तो मेरे हिसाब से फैंटेसी में वो गेम्स बेटर होते हैं क्योंकि आप गेम में ज़्यादा रहते हो, तो अगर आपने राइडू को लिया होगा तो उसने भी 20 मारे, आपने जडेजा को कैप्टन करा होगा तो भाई उसने तो 20 मार के विकेट भी ले लिया,
इट इज वाई वी ट्राई एंड बैक राणा प्लेस लाइक हिम, क्योंकि आपको पता है कि एक और किधर आ गया, एक फ्री विकेट तो कोई दे ही दे रहा है, तो फिर वहां से बेनिफिट हो सकता है. बट यू कैन टेक रिंको, यू कैन टेक शिवम दुबे एज वेल, यू कैन टेक वेंके, यू कैन टेक राणे ऑल्सो. ये पिच ऐसी नहीं रही है जहां पे रन ज्यादा बने, तो अगर चेन्नई वापस अटैकिंग ही खेलती रही तो सब 20-20 मारेंगे तो सबका काम हो जाएगा. यस एब्सोल्युटली. तो ये रहा बैटिंग सेक्शन, एंड मैं मोस्टली राणा को नहीं लूंगा. आई थिंक मैं शिफ्ट करके वहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बॉलर लेके जाऊंगा, क्योंकि जैसे लास्ट गेम था, अगर उसके बाद भी अगर इन्हें बॉलिंग करनी है तो फिर नथिंग टू से. एंड मतलब मुझे भी ये लगा कि थोड़ा डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिशन था, कि जो सबसे इनफॉर्म बैटर है सामने, आपको लग रहा है कि आपके अच्छे बॉलर्स आउट नहीं कर पाएंगे, आपके पास चार स्पिनर है टीम में, फिर भी आपको सही लगा कि आप आके बॉलिंग कीजिएगा, तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा. एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं पार्ट टाइमर था, तो उनके लिए सरप्राइज एलिमेंट रहेगा. बट ये गली क्रिकेट तो है नहीं. बट एनीवे, दैट्स हाउ केकेआर हैव बीन प्लेइंग. ऑलराउंडर सेक्शन में जडेजा, रसेल, अली एंड सुनील नारायण. अब स्पेसिफिक रीजन व्हाई वी आर बैकिंग सुनील नारायण, काफी लेफ्ट हैंडर्स है सामने, ऐसे ट्रैक पे उनको ओवर्स पूरे मिलने चाहिए. लास्ट गेम में भी एक चांस बना था उनका, बट उन्होंने छोड़ दिया. पता नहीं वो कौन, एक कोई आके पीछे से भाग के उनके आई लाइन में आ गया, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आता मुझे. बट हाँ, ऑलराउंडर्स में ये, एंड बॉलर्स में तीन तीन स्पिनर्स एंड पथी राणा, क्योंकि डेथ में डालेंगे. देखो वो फ्रस्ट्रेशन कितनी एविडेंट और सामने है आंखों के पता नहीं कौन सामने आ गया यार. मतलब एक जो 25 पॉइंट वहां से इजीली दिख रहे थे कि यार चलो 25 नहीं फाइनली सर, कैच था 33 कैच भी थी, थर्टी 33 मिल जाते, पर वही होता है ना, जब गरीबी होती है तो आता गिला ही हो जाता है. तो दैट इज बीन द सीजन फॉर नरेन, पर वो अच्छे खिलाड़ी हैं. सेम इज द केस विद थिक्षणा. अगर आप देखें तो इतने विकेट्स नहीं लिए हैं, यू एक्सपेक्ट हिम टू डू बेटर. वो बोलिंग भी कर रहे हैं एंड ओवर्स में, पिछले गेम में तो 4 ओवर भी नहीं डाले, 3 ओवर डाल के धोनी वेंट बैक टू तुषार देशपांडे. तो अगर आपको लगता है कि वापस ऐसा वेन्यू होगा जहाँ पे केकेआर इन्हें खेल लेगी और पेसर्स को विकेट दे देगी, बिकॉज केकेआर डू दी अनथिंकेबल, तो यू कैन टेक द पेसर्स हुआ बोलिंग एट द एंड. पाथी राणा को तो आपको ड्रॉप करना ही नहीं है, वो तो आपको पता है किसी भी केस में, बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड. तो थिक्षणा को मे बी यू कैन रोटेट. दीपक चहर वापस स्विंग मिल रही है उन्हें, और चेन्नई में स्विंग मिलती है, तो ये हमने काफी गेम्स में देख लिया है. डे गेम में भी थोड़ी मूवमेंट होती है और नाइट गेम में भी थोड़ी मूवमेंट दिख रही है. तो अगेन इट्स बीन अ हिस्टोरिक पैटर्न, आज की बात तो नहीं है कि चेन्नई में नया न्यू बॉल बॉलर अच्छा कर रहा है. तो विकल्प काफी हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी काफी हैं आपके पास. तो अगर आप बेस्ट टीम में देखें तो हमने मोइन और वरुण का रखा है प्योरली फ्रॉम द सर, सेंस ऑफ. कैप्टन वाइस कैप्टन हम अलग से अनाउंस करने वाले थे. वो था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 60 XP वाला कार्ड था मोइन का, एंड हमें हमें लगा था कि काफी लेफ्ट हैंडर्स है सामने, तो आई थिंक ये गेम में रिस्क बनता था मोइन पे. एंड यहाँ पे आपसे एक मदद चाहिए थी, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था ब्लैक कॉन्टेस्ट के आपने कार्ड दिखाई नहीं, तो रॉय एंड अली को तो मैंने ले ही लिया है, बट मैं कंफ्यूज हूँ रिंकू और रहाने के बीच में. तो आप मुझे कमेंट से बता दो कौन होना चाहिए वो पिक. अभी के लिए मैं यहाँ पे रहाने को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टॉप में बैटिंग करेंगे, एंड जस्ट सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया अली हमारे कैप्टन होने वाले थे, तो ये अली. एंड सॉरी साथ साथ में वाइस कैप्टन हमने रखा हुआ है वरुण चक्रवर्ती को, क्योंकि हमें लगता है कि जैसा ट्रैक है सामने, लेफ्ट हैंडर्स है, ये भी चहल जैसे रोल जो कर रहे हैं डेथ में आके डाल रहे हैं, वो रोल चक्रवर्ती भी कर ही रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि वैल्यू आपको मिल सकती है उनसे, इसलिए हमने उन्हें वाइस कैप्टन बनाया हुआ. बिल्कुल. तो सॉरी फॉर दैट स्पॉइलर, पर अगेन लॉजिक है यही के बोलिंग करेंगे वो 4 ओवर, और पिछले गेम में विकेट नहीं लिए, पर अगर वो 4 ओवर बोलिंग कर रहा है बंदा तो अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट करेगा. और केकेआर जैसी टीम है दे हैव बीन वेरी एग्रेसिव, तो वो माने जाएंगे माने जाएंगे. एक तो मिस हिट लगेगा आप होप करोगे, बाकी फिर तो केकेआर गेम है भाई, इंश्योरेंस की जरूरत तो सबको है. यस एब्सोल्युटली. तो ये रहा हमारा हमारी आज की बेस टीम. ऐप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, रैरियो ऐप लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से साइन अप कर लीजिए. एंड अब चलते हैं ग्रैंड लीग ऑप्शंस की तरफ. गो फॉर इट सर. तो ग्रैंड लीग ऑप्शंस देखो, मैच है चिपॉक में तो, और केकेआर का गेम है तो वैसे भी ग्रैंड लीग क्वालिफाई हो गए. पर मेरे मुझे बहुत टेम्पटेशन है टू गो विथ दीपक चहर. अगेन द सिंपल रीजन इज सी इट कुड नॉट वर्क, ही कुड गो फॉर 50 और ऑल्सो. पर कुछ गेम्स होंगे जहां पे मैं प्रॉपर ग्रैंड लीग ही खेलूंगा और उसमें
टीम वन में भी शायद मैं रिस्क ले लूं, क्योंकि फिर जैसा आपने पिछले 2-3 गेम में देखा, चहल जायसवाल, देन यू सॉ राशिद एंड सूर्या कॉम्बो, जो फॉर्म में है उसको बैक करो तो टीम वन में वो कर लेंगे, पर ग्राइंडिंग में तो आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हो। तो अगर मुझे लगता है कि नए बॉल से मूवमेंट मिलेगी तो रॉय को हमने देखा है काफ़ी दफ़ा इन स्विंग पे आउट होते हुए, तो अगर दीपक चहर का वो इन स्विंग चल जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। गुरबाज भी रिस्क लेने से कतराते नहीं है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प बन जाता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फ्यू अर्ली विकेट्स, और हर गेम में 2 विकेट ले रहा है दीपक तो, और एक गेम में वो एंडोज में भी आया था बॉलिंग करने, तो वहां से देखा जाए तो अगेन प्योरली फ्रॉम अ डिफरेंशियल प्लेयर जो शायद आपके बेस टीम में ना हो, इसके लिए मैं दीपक चेयर के साथ जा रहा हूँ, एंड द करस्पॉन्डिंग टू दैट विल बी हर्षित राणा। मैंने पिछले गेम में भी बात करी थी कि उन्हें स्विंग मिली है, हालांकि जब तक स्विंग वो डालते तब तक जायसवाल ने ऑलरेडी पूरा गेम स्विंग कर दिया था, पर अगर पहले बॉलिंग करते हैं हर्षित, हाँ तो देखो आपको यूनिवर्स भी बोल रहा है कि ये ग्रैंड लीग गेम है, अपने आप वो प्ले हो गया है ग्रैंड लीग वाला बैनर। तो हर्षित राणा, दीपक चहर, बाकी तो सारे स्पिनर को ट्राई करना कैप्टन वाइस कैप्टन। राइट, मेरे तो कोई खास ग्रैंड लीग ऑप्शन है नहीं इस गेम में, क्योंकि जो हमने बेस टीम बनाई थी वहाँ अली एंड थिक्षाना को ऑलरेडी हमने रख लिया, एक कैप्टन भी था। बट एक्चुअली मेरा जो लॉजिक है इस गेम में थोड़ा सा ऑपोजिट है सर से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ट्रैक थोड़ा स्लो है, मीन्स जो ओपनिंग बैटर्स है मे बी गेम उनपे लाजमी हो, एंड इसलिए मेरे ग्रैंड लीग ऑप्शन इस गेम के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो स्टार्ट उन्हें अगर वो 15-20 रन स्टार्ट में मिल गए तो वो थ्रेड जो होगा चहर का प्ले आउट हो जाएगा, एंड प्लस वो कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स ला के दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम कह रहे स्लो ट्रैक है एंड सामने 3-4 स्पिनर है तो कीपर का एक्टिव रहना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड ओनली वन पिक गुरबाज, बाकी तो ऑलरेडी कवर्ड इन द बेस टीम। हाँ बिल्कुल, ये गेम वैसा ही है, देखो जब किसी का ग्रैंड लीग पिक दूसरे टीम का प्लेयर टू अवॉइड होगा तो दैट इज हाउ केकेआर प्ले। यस एब्सोल्युटली, तो ये रहा हमारा आज का प्रिव्यू। थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु ट्यून्ड इन, एंड जस्ट फॉर फन बता दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में आपको लगता है आज धोनी की बैटिंग आएगी या नहीं। मुझे लग रहा है कि आज आनी चाहिए अगर पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइप का ट्रैक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन, स्टे सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट करिएगा, एंड कीप इन माइंड दैट दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो रिस्पॉन्सिबली खेलिएगा, एंड जल्दी मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए। Please, before we end, let's also pray again. Kicker again. Yes, prayers are with all of you, and prayers are with us also, we hope, and we'll see you all very soon.